मित्रों, आज हमने जो कन्या राशि के बारे में चीज़ें बताई हैं उससे हमको लगता है कि कन्या राशि वाले और कन्या राशि के परिवारजन जो है कनेक्ट जरूर करेंगे। तो आप लोग अगर कनेक्ट करिए जिन जिन बातों से, जरूर लिख के हमको बता दीजिए मैसेज में कि हाँ भाई ठीक है ये है, कमेंट कर दीजिए कि हाँ भाई ये चीज़ें आपने बताई थी हमारे साथ है, या हमारे पिताजी के साथ है, माता जी के साथ है, हमारे भाई के साथ है, हमारी पत्नी के साथ है, हमारे मित्र के साथ है, हमारे बॉस के साथ है, जो भी आपका व्यक्ति हो। तो आप ये देखिए और थोड़ा सा आप बताइए। और अगर कन्या राशि का कोई व्यक्ति है आपका मित्र दोस्त प्यारा, तो निश्चित रूप से उसको ही अगर वीडियो जरूर भेज दीजिए। तो आपके अगर घर परिवार का है तो आप पिताजी आपके हैं, माताजी आपके हैं, जो भी, उनको ज़रूर भेज दीजिए। तो हो सकता है कि आपको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, आपको अच्छा लगे, आपके पिताजी माताजी जो हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में ज्ञान हो जाए और आपको उससे आराम मिल जाएगा। तो नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग जानेंगे कन्या राशि वाले बिना किसी तंत्र मंत्र, बिना किसी उपाय, बिना किसी पूजा पाठ और ही बिना किसी रत्न धारण किए हुए कैसे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बेहतरी ला सकते हैं। और मित्रों, आप लोग निश्चित मान के चलिए यहाँ पे हम आपको 7 बातें बताएंगे और वो 7 बातों में से अगर आपने 5 बातें भी मान ली हमारी, तो फिर आपके जीवन में जो भी गड़बड़ियाँ हो चुकी हैं पहले से, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी और आप सफलता की राह पर एकदम आगे बढ़ जाएंगे। तो मित्रों, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे जो पहली बात है, कन्या राशि का जो भी व्यक्ति होता है, कन्या राशि का चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला, उन लोगों में एक बड़ी बेसिक क्वालिटी होती है। बेसिक क्वालिटी क्या होती है? सजने संवरने की। अब सजने संवरने की क्वालिटी होती बहुत अच्छी बात है और वो लोग बहुत सजते हैं। चाहे वो अगर कोई पुरुष भी होगा तो आप देखिएगा कि उसको सजना संवरना, सलीके से कपड़ा पहनना, क्रीम वगैरह इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना, काफ़ी कुछ उसका जो तैयार होने का तरीका होगा पुरुष होगा उसका भी महिलाओं की तरह हो जाता है या लड़कियों की तरह हो जाता है। और इसमें कोई बुराई भी नहीं, लेकिन क्या होता है इसमें कि चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो अपने बनने संवरने में, अपने सौंदर्य प्रसाधन में कभी कभी क्या होता है कि वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं। चाहे वो सजने संवरने में कपड़ा हो, चाहे वो उनके लिए शैम्पू हो, साबुन हो, या छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, तो वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं, क्रीम हो, लोशन हो, बहुत सारी चीज़ों। और फिर वो जो चीज़ होती है उनके बजट के बाहर हो जाती है, इसलिए उनको फाइनेंशियल जो है कभी कभी क्राइसिस भी आ जाती है। बहुत सी छोटी सी बात बता रहे हैं लेकिन कन्या राशि वालों के लिए बड़ी कीमती बात है। और इसका दूसरा एक क्या नुकसान होता है, कन्या राशि के जितने भी आप लोग होंगे, आप देखिएगा चाहे वो पुरुष होगा चाहे वो महिला होगी, उसको अगर कहीं घर के बाहर जा रहा है, निकल रहा है, तो आप ध्यान देखिएगा कन्या राशि का अगर व्यक्ति है तो निश्चित तौर पर एक बार पलट के तब वापस से मिरर में ज़रूर देखता है, हाँ हाँ अब सब ठीक है, हाँ ओके अच्छा चलो ठीक, फिर वो निकलेगा। तो निकल उसमें क्या है कि टाइम भी बहुत लगता है उसको सजने संवरने में। और पुरुषों में आप जब देखिएगा, जब देखिए किसी को बहुत ज़्यादा सजना संवरना कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि वो कन्या राशि का, तो वो बहुत समय भी लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि अक्सर इस तरह के लोग मीटिंग वगैरह में या इस तरह की जगहों पे जाने में लेट हो जाते हैं। क्या ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर दें या ज़रूरत से ज़्यादा समय भी अगर खर्च कर दें, आप कहीं लेट हो जा रहे हैं उसकी वजह से, तो फिर आपके लिए वो दिक्कत वाला काम है। इस चीज़ आदत से आपको निकलना चाहिए, उबरना चाहिए। दूसरी एक चीज़, जो कन्या राशि का व्यक्ति होता है वो प्यार के मामले में, प्रेम के मामले में बड़ा जो एक कह सकते हैं कि दिल फेंक टाइप का होता है, लेकिन उसका जो ये कार्यक्रम होता है, ये जो फ्लर्ट वाला काम होता है, तब तक होता है जब तक कि उसकी शादी ब्याह नहीं हो जाती। एक बार शादी वगैरह हो जाती है तो 90% केस में ये होता है, कन्या राशि का जो व्यक्ति होता है पार्टनर के प्रति अपने जो है काफ़ी ज़्यादा डेवोटी हो जाता है। लेकिन अक्सर यहाँ पे ये चीज़ भी होता है कि इस तरह के लोगों का आप देखेंगे शादी के पहले भी, कन्या राशि वाला जो व्यक्ति होता है वो फ्लर्ट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं गलत फंस जाता है, या शादी के बाद भी मान लीजिए कि आप एज ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर भी फ्लर्ट करने के चक्कर में कन्या राशि का व्यक्ति जो होता है वो कहीं जाके गलत फंस जाता है।
फिर उससे उनका परिवार भी, समस्या भी, बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे फ्लर्ट करने में भी आप अपने आप को एक लिमिट में रखिए। मित्रों, कन्या राशि की एक और जो बहुत बड़ी आदत होती है, और उसका कारण ये होता है, कन्या राशि का जो एक क्वालिटी होती है कि ये लोग दोहरे व्यक्तित्व के होते हैं। तो जब दोहरे व्यक्तित्व के होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कन्या राशि का व्यक्ति होता है, किसी भी डिसीजन में पहुँचने में उसको डबल माइंडेड हो जाता है। उसको बार बार लगता है अच्छा ये कर लेना चाहिए, अच्छा ये कर ले। तो फिर वो मान लीजिए अगर आप उससे कोई चीज़ पूछते हैं या कुछ करना है या उसके पास कोई वो हो जाता है तो वो आपसे ऑप्शन मांगता है, अच्छा हम बताते हैं आपको अभी, अच्छा सोच के बताते हैं। तो वहाँ पे अक्सर क्या होता है, डिसीजन लेने में कन्या राशि का जो व्यक्ति होता है वो डिले कर देता है, और वो जो कन्या राशि का व्यक्ति डिसीजन करने में डिले करता है, कभी कभी इसकी वजह से उनके जीवन से अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है। तो यहाँ पे आपका जो दोहरा व्यक्तित्व है वो इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होता है। तो आज हम आपको बता दे रहे हैं, तो अब आप जो डिसीजन है, सारे डिसीजन नहीं कि आपने जल्दीबाजी में सारे डिसीजन ले लिए, गड़बड़ कर दिए, नहीं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी समय ना लगाइए, जिसकी वजह से कल को क्या हो कि आपकी डिसीजन लेते लेते पता लगा काम तो हो गया, ख़त्म हो गया, अब आप उसके बाद आपने डिसीजन लिया, अपॉर्चुनिटी जो आपकी है वो चली गई। कन्या राशि के जो लोग होते हैं वो बड़े रहस्यात्मक होते हैं, मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ अंदर अंदर अपने रखे रहते हैं और वो उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, किसी से डिस्क्लोज नहीं करते, यहाँ तक कि अपने बच्चों से नहीं डिस्क्लोज करते, यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्क्लोज करते, यहाँ तक कि अपने वाइफ और हस्बैंड से भी नहीं डिस्क्लोज करते। तो ये जो उनकी रहस्यात्मक प्रकृति होती है उसकी वजह से भी सामान्यतः कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनके मित्र नहीं बन पाते, और मित्र जो बनते हैं बहुत करीबी मित्र नहीं बन पाते। क्यों? कि ये लोग अपनी रहस्यमयी जो प्रकृति होती है इनकी, उसकी वजह से बहुत चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं कर पाते, या आप कह सकते हैं खुल के बात नहीं कर पाते या बता नहीं पाते। जाना उनको पूरा है, वो अगले से बता देंगे कि हम पश्चिम में जा रहे हैं। तो ये जो एक मिस्टीरियस प्रवृत्ति होती है इनकी, वो प्रवृत्ति चलती रहती है, माँ बाप के साथ भी चलती है, बच्चों के साथ भी चलती है, इसीलिए पति पत्नी के साथ भी चलती है। वो छुपाना चाहते हैं सारा कुछ और बहुत एडिट कर करके आपको बताएंगे। तो उससे क्या होता है कि बहुत सारे उनके करीबी लोग उनसे दूर हो जाते हैं, और कन्या राशि के अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो लोग होते हैं अपनी इस मिस्टीरियस प्रवृत्ति के कारण अकेले पड़ जाते हैं, और जब वो अकेले पड़ जाते हैं तो फिर समाज को, दुनिया को, सबको, बच्चों को, पत्नी को, सबको दोष देना शुरू कर देते हैं। लेकिन वहाँ पे उनको ये ध्यान देना चाहिए, ठीक है आप बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, बताना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये जो मिस्टीरियस प्रवृत्ति है इतनी ज़रूरत से ज़्यादा भी ना हो जाए कि आपको ऐसा लगे, आपके पत्नी को या आपके बच्चों को या माँ बाप को कल को ये लगने लगे कि नहीं नहीं यार देखो ये हर चीज़ हमसे छुपाता है। तो कन्या राशि का एक ये जो गुण है इस पे भी आपको बराबर ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में आप जो है लोगों की विश्वसनीयता के पात्र जो हैं वो बने रहिए। मित्रों, कन्या राशि वालों के साथ एक और बहुत बड़ा गुण होता है कि वो प्रतिस्पर्धा जो होती है, कंपटीशन में बड़ा विश्वास रखते हैं, वो हर चीज़ से कंपटीशन करने लगते हैं, हर चीज़ में कंपटीशन करने लगते हैं। तो ये जो प्रतिस्पर्धा वाली उनकी प्रवृत्ति होती है, अक्सर चूँकि बचपन से कोई इस चीज़ को करते रहते हैं मन में कि अगर कोई आगे उनका निकल रहा है, उनका अगर पिता जो है उनसे आगे निकल गया है काम में, तो वो उससे भी प्रतिस्पर्धा करते हैं। तो धीरे धीरे स्कूल में, कॉलेज में करते करते ये कभी कभी कन्या राशि वालों को, या आप कहिए अक्सर, ये प्रवृत्ति जो उनकी होती है वो ईर्ष्या में बदल जाती है, वो जलन में बदल जाती है, और बाद में वो अगर अपने परिवार में हैं तो भाई बहन से प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे कि वो हमसे आगे निकल गया, कि वो हमसे पीछे है, हमको उससे आगे निकलना है, फिर वहाँ पे वो ईर्ष्या करने लगेंगे। यहाँ तक कि वो कन्या राशि का व्यक्ति जो होता है वो अपने बच्चों से भी प्रतिस्पर्धा करने लगता है,
जबकि ये बहुत एक अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन काफ़ी सारी कन्या राशि वाले जो लोग होते हैं इसको निगेटिव ले लेते हैं और वो जो है उनके लिए एक बहुत बुरी क्वालिटी बन जाती है, एक उनके लिए अवगुण बन जाता है, जिसकी वजह से कि बच्चे भी उनसे फिर करने लगते हैं, थोड़ा सा हटने लगते हैं, भाई बहन भी हटने लगते हैं, मित्र भी हटने लगते हैं, क्योंकि वो हर जगह उसको प्रतिस्पर्धा बना देते हैं, हर काम में प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं कि अच्छा ये, चाहे वो इनकम में हो चाहे किसी भी चीज़ में। तो ये जो चीज़ है आपको ध्यान देना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा हमको किससे करनी है, किससे हमको कंपटीशन करना है, किससे नहीं करना है, कौन किसका हम प्रगति बढ़ोतरी देख के हमको खुश होना है, किससे हमको कंपटीशन करना है। और यहाँ भी एक चीज़ आप बता दें, कन्या राशि वाले या उनके परिवार वाले निश्चित रूप से इस चीज़ से जुड़ेंगे कि अगर कन्या राशि वाले का पुत्र भी पुत्री भी आके स्कूल से बताता है कि ये देखो डैडू मेरा ये मार्क्स है, आज हमने इस कंपटीशन में किया, यहाँ पे हम फर्स्ट आए, तो या हमने इतने परसेंट मार्क्स पाए, तो तुरंत वो बताए हाँ हाँ अरे हम तो जब पढ़ते थे तो मेरे थे कितने परसेंट मार्क्स आते थे, मैंने तो इस एग्ज़ाम में ऐसा किया था। ये जो एक प्रवृत्ति है उससे बच्चा तुरंत जो है उसको लगने लगता है कि नहीं नहीं देखो ये हमसे अब कंपटीशन कर रहा है। तो ये जो कन्या राशि के व्यक्ति हैं और कन्या राशि के परिवार वाले हैं उस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको प्रतिस्पर्धा जो है वो करने के लिए ये बार बार सोचना चाहिए कि सबसे प्रतिस्पर्धा नहीं की जा सकती है। दूसरी बात है कि आर्थिक मामले में भी इनका ये होता है कि बड़ा सोच के समझ के खर्च करने वाले होते हैं, और ये जो सोच समझ के खर्च करने वाले होते हैं तो केवल ये नहीं है कि बाहरी, अपने ऊपर भी सोच समझ खर्च करते हैं, लेकिन अपने ऊपर चूंकि इनको दिखाना है, जैसे हमने आप बताया था कि कपड़ा या गहना इस तरह की जो भी चीज़ें हैं कॉस्मेटिक उस पर अपने ऊपर खर्च कर लेंगे, लेकिन सामान्यतः पैसा खर्च करने के मामले में कन्या राशि वाले बड़ा सोच के विचार के इस तरह से खर्च करते हैं। तो उसकी वजह से चाहे वो जिसके ऊपर भी खर्च करना हो, चाहे वो अपने बच्चों के ऊपर ही खर्च करना हो, चाहे परिवार के ऊपर खर्च करना हो, माँ बाप के ऊपर भी करना हो, लेकिन वो चार बार सोच विचार करके बहुत कैलकुलेशन करके तभी जो है वो पैसा खर्च करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो उनके साथ के लोग होते हैं, जो उनके परिवारजन होते हैं, जो मित्र होते हैं, जो उनकी सर्किल होती है, वो उनको कंजूस समझने लगते हैं, जबकि कंजूस नहीं होते, बस उनका ये कि सोच समझ के खर्च करते हैं। तो यहाँ पे भी कन्या राशि वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए कि कल को ऐसा ना हो कि बच्चे उनको कंजूस समझने लगे, कि बच्चों से बार बार ये कहना कि नहीं भाई इसकी क्या जरूरत है, ये काम तो ऐसे भी हो सकता है, वो ये काम तो ऐसे भी हो सकता है। तो आप ये देखिए कि कहाँ पे आपको मितव्यता करनी है या कहाँ पे सोच समझ के खर्च करना है, कहाँ पे आपको पैसा खर्च करना है, तो इस चीज़ पे भी आपको विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे कि आपके संबंध जो है अच्छे बने रहें और आप किसे लोग जो हैं दूर ना हटने पाए, और सबसे बड़े कि आपको कंजूस ना समझने पाए। मित्रों, कन्या राशि वाले ये सब इसलिए भी करते हैं कि धन के मामले में वो अपने आप को बड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं, चाहे जितना उनके पास पैसा आ जाए लेकिन उनको हमेशा लगता है कि मेरे पास कम ही है, और ज़्यादा कमाना है, और ज़्यादा कमाना है, और ज़्यादा मेरे पास पैसा होना चाहिए, अभी तो मेरे पास पैसा है ही नहीं। तो ये जो एक उनकी मानसिकता होती है, इसीलिए सोच विचार करके पैसा जो है वो खर्च करते हैं। कन्या राशि के जो एक और विशेष आदत होती है कि वो हर आदमी में हर काम में कमी निकालते रहते हैं, भाई इसको अच्छा ऐसे नहीं, अच्छा इसको ऐसे कर लो, अच्छा इसको ऐसे नहीं, अच्छा इसको ये कर लो। तो उससे क्या होता है, उनका स्टाफ, उनका परिवार, उनके मित्र, उनके लोग बड़ा इरिटेट होते रहते हैं और हर चीज़ में आपको सलाह देते रहते हैं कि नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब वहाँ पे फिर क्या होता है, सामने वाला इरिटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है। आप कन्या राशि वाले के साथ बैठ के अगर गाड़ी भी आप चला रहे हैं तो भी आपको वो चार सलाह दे देगा, नहीं अच्छा इधर, अरे ऐसे, अच्छा वैसे, तो वो आदमी फिर इरिटेट हो जाता है। और कन्या राशि वाले जो व्यक्ति के फैमिली मेंबर होंगे वो इस चीज़ को विशेष रूप से कहीं कनेक्ट करेंगे। तो कन्या राशि के जो लोग हैं उनको अपने इस बहुत ज़्यादा किसी से
आपको हर चीज़ में टोकना नहीं चाहिए। तो उससे क्या लोगों को लगता है कि हर बात में मेरे मिनमेक निकाल रहे हैं, हर बात में मेरे कमी निकाल रहे हैं, तो उससे आदमी इरिटेट होने लगता है। आजकल खास करके जो नई पीढ़ी है वो तो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाती है। तो इस आपके अपने स्वभाव पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं ये अधिकता तो नहीं हो रही है। ये सब हम आपको वो बात बता रहे हैं जो कोई नहीं बताएगा। तो इस बात को बहुत ध्यान रखिए अपने, और जैसे ही आप इस चीज़ पर बता दिया, अब आप ध्यान रखेंगे तो लोगों के बीच में फिर आप पॉपुलर होने लगेंगे, बच्चे भी आपको ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, परिवार मित्र सब लोग आपको ज़्यादा वो करने लगेंगे, क्योंकि आप हर चीज़ में कभी मत निकालिए कि सबके ठीक। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।